हेलो गाइस, दिस इज आन्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, अभी मैंने जैसे आपको अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया कि मैं जमुई के लिए आई हूँ, और जैसे कि चकाई से हम जमुई गए, अब जमुई से हम लौट रहे हैं वापस चकाई की तरफ। और अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा। यहाँ पर रुककर इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है ना कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच में आ चुकी हूँ मैं। बिहार में इतना खूबसूरत सा जगह, इतने अच्छे अच्छे जगह हैं, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप लोग भी आएंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा ये जगह, नो डाउट। तो ये है बटिया का वो सबसे खास जगह जहाँ पे अक्सर लोग आकर घूमते हैं या फोटो क्लिक कराते हैं। और आगे आप इस वीडियो में देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस जगह को तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, पहाड़ों के बीच में थे इस वक्त। लेकिन ये जो इलाका है, एरिया है, ये नक्सल प्रभावित है, इसकी वजह से हम पहाड़ों के ऊपर तो चढ़ गए लेकिन अंदर जाने में हमें उतना ही ज़्यादा डर लग रहा था। इसीलिए हम वहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं और फिर हम जल्दी से नीचे की ओर आ गए। और यह कुदरत का सुंदर सा नज़ारा जो बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, और मेरा दिल इन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं खो सा गया था। थी तो बीच रास्ते में ये जो जगह है जहाँ मैं रुकी हूँ, ये बटिया है, और यहाँ का मैंने आपको व्यू दिखाया कितना अच्छा है। और इस जगह के बारे में यहाँ के जो स्थानीय हैं, हमारे चैनल के हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस जगह की खासियत क्या है, क्या कुछ यहाँ पे अच्छा है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप घूमने आते हैं। तो हमारे साथ अभी नंदन जी है, जो नंदन जी हमें बताएंगे इस जगह की खासियत के बारे में। ये जगह रियलिटी में लगता है कि मिनी शिमला में आप पहुंच गए हो। अगर बटिया घाटी में आप आओ तो लगेगा कि मानो ये मिनी शिमला ऐसे कह सकती हो आप। बटिया ऐसे झूमराज बाबा को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग आते हैं और वहाँ मन्नतें हैं, रिवाज है, मतलब लोगों की ये सोच है कि वहाँ पे अगर मन्नतें आप मांगो तो आपकी बहुत जल्द पूरी होगी, फिर लोग आते हैं पूजा करने के लिए। ये बटिया का जंगल जो है थोड़ा सा नक्सल प्रभावित भी है, और कहो तो ये जंगल की दूरी बहुत दूर है, ये यहाँ से आप हजारीबाग तक ये जंगल मिला हुआ है। आप यहाँ से चलो तो लगेगा कि हजारीबाग तक ये जंगल मिला हुआ है, ठीक ना। बस यहाँ की खूबसूरती है, पहाड़ी सीन है, आप देखो तो पहाड़ के अंदर भी कई सारे गांव बसे हुए हैं। निश्चित रूप से अगर आप कहो तो सुविधाओं का भी अभाव है वैसे जगहों पे, पता नहीं नेता आते हैं वोट बैंक बन वोट लिए और चले गए। अगर उन सब जगहों पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बढ़िया अपने आप में ही मनमोहक लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि
अभी हम इस जगह पे आए तब मुझे भी ये इस बात का एहसास हो रहा है कितना खूबसूरत जगह है। थोड़ा बहुत अगर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल ये एक पर्यटक स्थल के तौर पे तो बिल्कुल ही जाना जाएगा, क्योंकि बिहार में इतने खूबसूरत जगह हैं, पहाड़ी इलाके हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारे साथ, अभी जो नंदन जी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर मिनी शिमला कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में इस तरह एक्सप्लोर करने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही मजा होता है। चलो जाए। हेलो, 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 हेलो। मन कीजिए।